अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आपकी सब परेशानियाँ अल्लाह दूर करे, हमारे लिए भी दुआ करते रहा करें। तो अभी मैंने सुबह बच्चों को छोड़ के आई थी तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, यूँ कह लें कि ठंडा हो गया था। हालाँकि पिछले 2-3 दिन से तो एकदम से गर्मी शुरू हो गई थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही थी। मतलब घर के अंदर रहते थे तो ठंडक सी रहती थी और ठंडा ठंडा लगता था, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर जाते थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या डायरेक्ट सनलाइट में तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी एक रात को ऐसा हुआ कि बारिश होती रही और सुबह भी बारिश होती रही और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। तो मुझे तो पर्सनली सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, गर्मियाँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बात फिर वही है कि बच्चों के लिए सर्दियाँ मुश्किल होती हैं जब तक छोटे हैं, उनकी केयर टेक ज़्यादा ओबियसली करनी पड़ती है। जैसे बड़े हो जाते हैं फिर तो ईजी हो जाता है और सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हम लोगों ने सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए थे, गर्मियों के निकालिए हैं, लॉन वगैरह निकाली है, बच्चों की मैंने निक्कर टी शर्ट जो होती है वो सब निकाली हैं। तो अचानक ही ऐसा हुआ है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन ये अच्छा हो गया, मुझे तो मौसम ऐसा ही पसंद है। हमारे वैसे भी मुल्क में गर्मियाँ ज़्यादा अरसा रहती हैं, 6 माह जो गर्मियों के होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और उसमें 4-5 माह तो शदीद गर्मी होती है ना, तो वो टाइम निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है। और सर्दियाँ जो है वो आपकी लोड शेडिंग हो भी गई है, लाइट चली गई है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये होता है कि चलो अब UPS है वो भी ज़्यादा देर निकाल जाता है सर्दी में अगर लोड शेडिंग हुई है, क्योंकि आपके बाकी फ़ैन वगैरह और कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है तो उससे काफ़ी टाइम जो है ना वो UPS टाइम निकाल जाता है। लेकिन गर्मी में अगर 2 घंटे भी लोड शेडिंग हो गई है तो फ़ैन चलाने की वजह से 2-3 भी चल रहे हैं तो जल्दी से UPS भी बंद हो जाता है। तो ये एक मेरा गर्मियों का ड्रेस है, बेसिकली ये गर्मियों में ही मामा ने मुझे लेके दिया था, मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये चिकन का बना हुआ रेडीमेड ड्रेस थे ये, और ये मुझसे गर्मियाँ पूरी गर्मियाँ नहीं पहने जाते। तो ये जो ये वाला मौसम होता है जब मतलब सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, जो फेबरी का एंड और मार्च का स्टार्ट है, या मार्च में भी पूरा ये जो चिकन वगैरह होती है ये पहनी जाती है, लेकिन गर्मी में तो इसको देख लो तो बस गर्मी लगने लग जाती है। तो अभी मैंने इसलिए सारे कपड़े निकाल लिए थे, मैंने कहा चलो ये तो यूज़ होंगे, फिर गर्मियों में भी ये पड़े रहते हैं, और इस सूट को तो काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल तो हो ही गए हैं ये लिए हुए, तो यूज़ ही नहीं हुआ, पहना ही नहीं है। बाहर थी मैं तो उन दिनों में जब मुझे मामा ने गिफ्ट किया था तो मैं हांगकांग में थी, तो इसलिए वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ हुआ। अभी नए थे तो मैंने कहा चलो इस सीज़न में ये निकाल के पहन लें, क्योंकि पिछले कपड़े यूज़ हों पहने कहीं फेंके तो फिर ही बंदा आगे नए लेता है, नहीं तो पिछले भी पड़े रहे। और आगे मामा जब इस साल उमरा अदा करके आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जनवरी में वापस आई थी मामा, और तब यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जब ये दिसंबर में गई हैं और दिसंबर और जनवरी यहाँ पे तो शदीद धुंध पड़ती रही है दिसंबर में स्पेशली, तो बल्कि वहाँ पे इन्होंने बताया कि इतनी गर्मी नहीं है, सॉरी इतनी सर्दी नहीं है, सर्दी वहाँ पे नहीं थी, गर्मी मतलब गर्मी थी मदीना में तो थोड़ी शायद ठंड थी, लेकिन मक्का में ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर भी ये वहाँ जाके बीमार हुई, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एकदम से क्लाइमेट चेंज होना, पाकिस्तान का क्लाइमेट ज़ाहिर और होता है, वहाँ का और हुआ, और फिर इन्होंने मास्क वगैरह भी नहीं यूज़ किया हुआ था, तो सेकेंडली ये हुआ कि खाने का भी बड़ा फ़र्क आया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा अदा करके आई हैं, और पहली दफ़ा था, अल्लाह हमें मेरी मामा को और हम सबको साथ जाना दोबारा नसीब करे, हमें वो जगह बार बार देखनी नसीब करे, तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे वहाँ पे जाने की, उम्रा अदा करने की, हज की सआदत हमें नसीब हो, हम सब मुसलमानों को अल्लाह हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करे। जी तो व्यूवर्स हम मामा से सुनते हैं कि उनका उम्रा जैसे उन्होंने अदा किया जहाँ जहाँ गई। जी मामा आप बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लम्हे और बड़ी ही पुरकेफ, क्या बताऊँ आपको, इतना प्यारा सफ़र और इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी जगह, दिल को ख्वाहिश, वो मैंने कहीं सुना था ना, एक बार देखा है बार बार देखने की ख्वाहिश है, यकीन करें वैसे ही सेम है। मैं मेरी वो समझे ना कि मन नहीं भरा, बार बार आंखों को और दिल को ख्वाहिश होती है कि बस ये मंजर बार बार देखना नसीब हो, और अल्लाह आप सबको उस घर में लेके जाए। जी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, हम लोग सबसे पहले मदीना गए, मदीना से मस्जिद नबवी की ज़्यारत करके,
और उसके बाद हम लोग बाद में मक्के गए, और मक्के जाने के बाद उमरा अदा किया माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्र अदा करने के बाद मेरी कुछ वहाँ पे थोड़ी तबीयत ना ठीक रही, क्योंकि मसला ये था कि माशाल्लाह इस साल बहुत बहुत दुनिया माशाल्लाह उम्र पे आई हुई थी, और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, लाख एहसान है। और मैं मक्के को देख के, और मेरी ख्वाहिश होती थी कि परवरदिगार का ये जो घर है ना, ये ता कियामत तक आबाद और शाद रहे। इसी तरह जो नज़ला ज़ुकाम खांसी ये बहुत आम था वहाँ पे, मास्क लगा के जो लोग तवाफ करते थे वो तो बच गए, लेकिन जो मास्क के बग़ैर थे वो काफ़ी बीमार हुए। और मैं मास्क के बग़ैर थी, लेकिन जो मेरी खाला थी मेरे साथ उन्होंने मास्क वगैरह लगाया हुआ था। हम लोग मदीने और मक्के में जितना टाइम था हमारे पास, जितनी ज़ियारतें कर सके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने की, और हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक पे गए, और बहुत पहाड़ पे गए, वो मुकाम देखा, फिर जंगे खंदक वाला मुकाम देखा, फिर जन्नतुल बकी देखी, फिर मस्जिद कुबा देखा, और उसके बाद मक्के में हम लोगों ने गारे हिरा, गारे सौर और मैदान अरफात देखा। वहाँ पे एक और मस्जिद थी जहाँ पे हम लोग गए, अब मुझे मेरे जहन से उस मस्जिद का नाम निकल गया, माजरत चाहती हूँ। बस ये मुकाम हम लोग, क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारे पास, तो हम लोग जिस जिस मुकाम पे गए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उस मुकाम पे जाना नसीब हुआ। हमारे लिए ज़ाहिर हर मुसलमान के लिए सबसे खूबसूरत लम्हा और सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो खाना काबा की ज़ियारत है और मस्जिद नबवी की ज़ियारत है। ये वो बात है ना कि बार बार देख लो, तो यकीन करें मेरा तो खाना काबे को देखने को बार बार, और जितनी देर मैं बैठी रही मेरा दिल करता था कि मैं इस मुकाम को अपने दिल में अपनी आँखों में ऐसे संभालूँ कि मैं वापस भी जाऊँ तो ये मंज़र मेरे सामने वैसे का वैसे ही रहे। और अल्लाह हर एक को जाना वहाँ पे नसीब करे, हर मुसलमान को वहाँ पे जाना नसीब करे। मेरी बेटी और इसके बच्चों के लिए बहुत दुआएं की, अपने बेटों के लिए बहुत दुआएं की, कबूल और मंजूर फरमाए अल्लाह ताला। और जिस तरह मेरी बेटी के जो हालात हैं या जो मेरी बेटी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रही है, एक सिंगल मदर है, अल्लाह इस जैसी सब बेटियों को बहुत आसानियाँ करे, उनके रास्ते आसान हों, उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें दूर हों, और मेरा परवरदिगार या रहमान रहीम उनके लिए बड़ी ही ऐसे ऐसे वसीले बनाए कि वो अपने बच्चों में कामयाब हो। परवरदिगार से बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि अल्लाह किसी बेटी के नसीब बुरे ना हो, सब बेटियों के नसीब अच्छे हो। ये तो बेटियों वाले ही दर्द समझ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि जिस दर्द से मेरी बेटी या मैं गुजरती हैं, और अल्लाह सबके लिए आसानी करे। वो कह रहा है मैंने टी शर्ट ही पहनी है, मैंने उसके ऊपर जर्सी पहनी नहीं है। आ जाओ ना बेटा, अभी सर्दी है, और आवर ले लिया, एक को तैयार कर दिया है और एक को भी करना है मैंने। अली ये क्या पकड़ा हुआ है, वो शर्ट, ये शर्ट पहनी है आपने? हाँ, जर्सी नहीं पहनी। दूसरे को पेशावर दिलवा दिया, वो भी रेडी हो गया, अब उसकी जर्सी बनानी है। और वही जैसे छोटा जिद कर रहा था कि उसने जर्सी नहीं पहनी है, वो भी जिद कर रहा है। सुबह से बारिश हो रही थी और बारिश के बाद अब हल्की हल्की सी धूप निकली है, लेकिन क्लियर नहीं है, निकलती है और ख़त्म हो जाती है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तीन चार दिन से ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से ना गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अभी बच्चों को वैसे मैंने शावर दिलवाया, नहाए हुए हैं, तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। इनका डर ही लगा रहता है कि कहीं बीमार ही ना पड़ जाए। हवा बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मैं बच्चों को लेके आई हूँ, ये हमारे घर के ज़रा करीब पार्क है, और ये स्टार्ट में जब बना था ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, तो अभी इसकी हालत देखिए क्या हुई है, सारे झूले टूटे हुए हैं और पार्क भी बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल सफाई नहीं है यहाँ पे। और इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, हवा हल्की हल्की चल रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर ले आते हैं। चलो आ जाओ, चले आ जाओ अली, हम दूसरे पार्क में जाते हैं, इसमें तो कोई झूला ही नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। अभी बच्चे भी यहाँ पे क्या ही खेलेंगे। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये हमारी सोसाइटी के साथ हमारी जो एरिया है, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, उसी के साथ ही एक और फेज़ है जो डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे अभी बिल्कुल नया ही है, अभी रोड्स वगैरह ही बनी हैं, और इसकी ये ग्रीनरी वगैरह साइडों पर बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारी यहाँ पे सिर्फ खेत ही थे, उनको ख़त्म करके
तो इस सोसाइटी को बनाया जा रहा है। तो अभी तो ये बिल्कुल खुला ग्राउंड है, सिर्फ रोड्स बनी हुई हैं, पार्क है और कुछ एक दो शॉप हैं जो बन गई हुई हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ इस वाले पार्क में। अब हम आ गए हैं, ये फेज 3 है, ये अभी डेवलप हो रहा है, तो मतलब अभी यहाँ पे घर वगैरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो पार्क जो है वो अच्छा बनाया हुआ, बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा साफ रखा जाता है। झूले अभी यहाँ पे कम ही लगे हुए हैं लेकिन बच्चे खेलते रहते हैं। चलो उधर झूले का प्यास, तो हवा तो आ जाओ आरिस अली, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगी ताकि यहाँ पास ये खेलते रहे। झूले तो सिर्फ यही लगे हुए हैं इसमें, लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता, बच्चे नहीं होते हैं, ज़रा दूर है, कोई वॉक करके इतना आ नहीं सकता। ये फाउंटेन लगा हुआ है लेकिन बंद किया हुआ है इन्होंने। चलो यहाँ खेल लेते हैं, आ जाओ आप इधर। तो साथ साथ बच्चों को खाना, खाना ये है बस, यही चीज़ें शौक से ना, और तो कुछ घर का तो कुछ खाना नहीं ना शौक से, ये तो बस यही खाना। चलो जाओ जाओ अलीसन, कुछ नहीं होता। अरे साहब ने जाना है, कोई देखो भाई जा रहा है उधर। अब बच्चों के मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उनको मैंने सुला दिया हुआ है ताकि वो जल्दी टाइम से सो जाए। दोपहर में भी नहीं सोए थे तो काफ़ी थके हुए थे, वो तो टाइम से सो गए हैं। अभी इनकी पैंटें मैंने प्रेस कर ली हुई हैं, शर्टें भी प्रेस कर रही हूँ, यूनिफॉर्म भी बच्चों के मैंने प्रेस कर दिए हैं सुबह, इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता है, इन्होंने भी इतना टाइम नहीं होता। तो ये दोनों तो आराम से सो गए हैं, सारा दिन आज काफ़ी थक गए थे, आज खेला भी है और स्कूल भी हो के आए थे, इसलिए जल्दी सो गए हैं। घर में एकदम ना खामोशी हो जाती है जब बच्चे सो जाते हैं, जब ये जाग रहे हो ना तो माशाल्लाह रौनक लगी रहती है। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।